तो मैं आपको बताता हूँ मैंने स्टोरी टेलिंग कैसे सीखी, क्योंकि फ्रैंकली कोई बैठ के आपका काम नहीं पढ़ने वाला है अनलेस वो अंदर से कोई बहुत खूबसूरत इंसान है या उसे पैसे मिल रहे हैं। तो स्क्रीन प्ले राइटर बनने का आपका सफर इस प्रोसेस से शुरू होता है, उसको मैं कहता हूँ 1 साल 50 नॉवेल 250 फिल्म और 500 वर्ड्स एवरी डे। सेक्रेट गेम्स की स्क्रिप्ट रीडिंग में जाके ही समझ आता था कि कहाँ क्लैरिटी आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है, कहाँ डिस्क्रिप्शन वेग है, कहाँ डायलॉग कम है, कहाँ गालियाँ ज्यादा हैं, वगैरह वगैरह। सो सिंपल थंब रूल आई यूज इज 4 pages of short story ideally makes a 20-pager outline and a 20-pager outline makes for a 100-page screenplay. तो हर स्टेज में आपको 1:5 का रेशियो मिलेगा। लिखने से पहले सिर्फ उसको सुनाना शुरू करो अपने दोस्तों को या अपने पेट डॉग या कैट को। फिल्में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज कैसे लिखी जाती हैं, या ग्राफिक नॉवेल्स कैसे लिख सकते हैं, गाने कैसे लिखते हैं, ये सब मैंने इस कोर्स में कवर किया है। कुछ लोग कैरेक्टर को ध्यान में रख के लिखते हैं, कुछ लोग प्लॉट को ध्यान में रख के लिखते हैं, कुछ लोग स्क्रीन प्ले के मूड को ध्यान में रख के लिखते हैं, और कुछ लोग अपने मूड को ध्यान में रख के लिखते हैं। एंड ऑल द वेज आर राइट। अगर day 1 पे 5 pages लिखे हैं, day 2 पे स्टार्ट अगेन फ्रॉम page 1 टू रिवाइज एंड रीराइट। सो इट इज लाइक हाउ यू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। Yes, I'm really making that analogy. If you are someone who does some writing here and there but want something more concrete from your writing, this course will help you enhance your craft. Hi, मैं हूँ वरुण ग्रोवर और मुझसे जुड़िए फ्रंट रो पे जहाँ मैं आपको सिखाऊंगा स्क्रीन राइटिंग।